लाइन पर बने रहिएगा सर, जब तक आपको ट्रक के रिगार्डिंग में बेहतर जानकारी प्राप्त कर ले रहा हूँ। हाँ जब तक आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में बेहतर जानकारी प्राप्त कर ले रहा हूँ, क्या मैं आपका कॉल केवल एक मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। ये कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइन पर बने रहिएगा सर। रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लंबे होल्ड के लिए। हाँ बोले जी सर, जैसा कि मैंने चेक किया सर, आपका जो ऑर्डर है आज वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो 14 रीजन रहने के कारण यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन मेंशन नहीं है सर। आप निश्चिंत रहिए, आपका जो प्रोडक्ट है आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में डिलीवर करा दिया जाएगा। कितना दिन में? नेक्स्ट डे में सर। नेक्स्ट डे में आप डिलीवर करा दिया जाएगा सर। डिलीवर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? देखिए ये बात एक बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है, पहले बार नहीं हो रहा है। इससे पहले देखिए उसका ऑर्डर ऑर्डर आईडी है सर, आप एक बार अपना जो है एड्रेस कंफर्म कीजिए सर। एड्रेस सेम है, उसने डिलीवर किया है, देख लीजिए ना, हम ऑर्डर आईडी बता दे रहा हूँ, उसमें आके डिलीवर कर रहा है, हर रोज पिकअप हो रहा है। हम एक सेलर है खुद, तो मेरा यहाँ से हर रोज पिकअप हो रहा है, तो मेरा एड्रेस सही नहीं, सही नहीं होगा तो क्या होगा सर? आप निश्चिंत रहिए सर, आज कुछ रीजन रहने के कारण आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं हो पाया। किस रीजन से? तो देखिए जब रीजन आप दस दिन हो चुका है प्रोडक्ट का जब हम ऑर्डर किए ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है, 10 डेज। उसके बाद एक ऑर्डर किए थे, उसी दिन एक ऑर्डर किए थे, वो डिलीवर हो चुका है, 6 दिन पहले डिलीवर हो चुका है।
देख लीजिए ऑर्डर। नहीं नहीं 10 दिन हो गया ऑलरेडी, 10 दिन इंडिया में अभी भी इतना स्लो कुरियर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम जब ये कह रहे हैं वो बता रहे 27 अगस्त और 10 दिन 20 दिन, ये तो पूरा वर्ल्ड घूम के आ सकता है। अभी जो कुरियर का फास्टनेस्ट है उसे 20 दिन में पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाएगा। अमेरिका से भेज रहा है क्या? मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं नहीं अमेरिका अमेरिका से आ रहा है क्या? अमेरिका से 15 दिन में आ जाएगा, अमेरिका से भी आने में 15 दिन में आ जाएगा। मैं माफी चाहूंगा जो परेशानी आपको होगी आप निश्चिंत रहिए। देखिए देखिए एक बार का परेशानी का बात नहीं है, आपको बोल रहा है ना एक बार का, उससे पहले देख लीजिए आप और एक ऑर्डर बता रहा हूँ उसका चैट देख लीजिए, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। आपको पहले भी उसमें डिलीवर देखा चुका था, परेशानी पहले भी हुई है सर, मैं समझ पा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है सर, फ्लिपकार्ट का ये क्या हो रहा है? हम खुद सेलर हो, इसका मतलब मेरा जितना रिटर्न आ रहा है हम समझ सकते हैं, जितना रिटर्न आप लोगों का गलती से आ रहा है। समझ पा रहा हूँ परेशानी जो आपको हो रही है, मैं यहाँ पर आपका फीडबैक शेयर कर देता हूँ कि पास में आपने बैड एक्सपीरियंस फेस किया है, दोबारा से आपको इस तरह का बैड एक्सपीरियंस? नहीं नहीं बैड एक्सपीरियंस दोबारा से किया, उस टाइम भी तो बोले थे, लास्ट टाइम जब बात हुआ था उस टाइम भी तो बोले थे दोबारा से नहीं होगा, तो क्यों हुआ, तब क्यों हुआ, आज आज क्यों हो रहा है वो बोलिए, इसका जवाब दे दीजिए हमको। उस दिन जब बोले थे हम उस डेट हम बता दे रहा हूँ, 20 जुलाई को जब बोले थे आप लोगों ने, 20 जुलाई को, नहीं नहीं एक मिनट, 20 जुलाई को आप लोग जब बोले थे कि आप लोगों का दोबारा से ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्यों हुआ है 16 अगस्त को क्यों हुआ है ये प्रॉब्लम? 16 अगस्त को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इसको जवाब दे दीजिए हमको। देखिए कुछ कुछ किया, कुछ आप रखिए ना सर, कुछ से हम कुछ नहीं करेंगे। लॉजिस्टिक पार्टनर की तरफ से कुछ रीजन रहा है जिस वजह से आज आपका जो ऑर्डर है वो आज आपको डिलीवर नहीं कराया गया है? क्यों नहीं कराया गया है, हम पूछे हैं आपको, आपको पूछे हैं क्यों नहीं कराया गया है? होता तो मैं आपको जरूर जवाब दे पाता। सिस्टम में क्या चीज की है, सिस्टम में क्या चेक की है, होल्ड करके जो सिस्टम में चेक कर रहे थे क्या चेक कर रहे थे? जी सर मैंने यही चेक किया था कि कहीं से कुछ रीजन जो है जो आपको आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर नहीं हो पाया, उस कारण मैं रीजन पता कर पाऊँ। तो इसको चेक करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम होल्ड में रखा, इसके एक सेकंड नहीं है, एक सेकंड का काम है सर। मैंने यही आपका हुआ नेट स्लो है क्या, मैंने यही सर्वर खराब है आप लोगों का तो इतना टाइम लग रहा है सर। मैंने यह भी चेक किया है कि आपका जो ऑर्डर है वो कब डिलीवर करा दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ से फीडबैक भी शेयर कर दिया है आपका कि आपका जो ऑर्डर है आपको डिलीवर नहीं कराया गया है, दोबारा से इस तरह की परेशानी ना हो। जैसे जब आप दोबारा से परेशानी नहीं हो बोले थे दोबारा से परेशानी नहीं, तब क्यों हुआ, तब क्यों हुआ, हमको उल्टा सीधा मत समझाइए, उल्टा सीधा बात हमको मत समझाइए। उस दिन तो बोले थे 20 जुलाई को दोबारा से परेशानी नहीं होगा, तो क्यों हो रहा है हमको परेशानी? 20 जुलाई को बोले ना, वो ऑर्डर आईडी भी बता दे रहा हूँ आपको, ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं समझ पा रहा हूँ परेशानी हुआ है आपको जानकारी। नहीं नहीं आप तो बोले थे ऑर्डर आईडी है OD12230236845201200। इस ऑर्डर आईडी का जब कंप्लेन किए थे उस टाइम बोले थे आप लोगों ने दोबारा से मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, तब आज क्यों हो रहा है मेरा प्रॉब्लम? रिसेंट है इसीलिए मेरा याद है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार कर चुके हैं आप लोग, क्यों
इतना खराब सर्विस क्यों दे रहे हैं? तो 6 तारीख को, 6 अगस्त को हम ऑर्डर किए, आज 16 अगस्त है, 10 दिन में यूके से माल आ जाएगा इंडिया में, मेरा घर तक आ जाता है। तो आप लोग इंडिया का, इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, कितना स्लो हो रहा है? हम निश्चिंत रहिए, हमको निश्चिंत क्या कीजिएगा आप? आपको आपको कल डिलीवर नहीं, नहीं वो जो सामान देखे हैं वो क्या सामान है? इसमें निश्चिंत होना की क्या बात है? आप बोलिए जी सर, बताइए क्या क्या बोल रहे थे सर आप? वो जो सामान है वो क्या सामान है? जी सर देखे हैं ना? बिल्कुल देखा हूँ सर, सिक्योरिटी बैग आपने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट का। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है? मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। वो प्रोडक्ट जो होता है क्या प्रोडक्ट होता है? वो प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट है? वो किस काम में लगता है? वो किस काम में लगता है जी सर? वो जो प्रोडक्ट है किस काम में लगता है? प्रोडक्ट आपको किस काम में यूज किया जाता है सर? देखिए फ्लिपकार्ट की पैकिंग में यूज किया जाता है। हाँ फ्लिपकार्ट का पैकिंग में कौन लोग ऑर्डर कर सकते हैं? ये कौन लोग ऑर्डर कर सकते हैं? सेलर कर सकते हैं सर ऑर्डर। सेलर ऑर्डर कर सकता है, इसका मतलब वो ऑर्डर अर्जेंट है, वो बिजनेस पर्पज है। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर। तो हम लोगों को ऐसा सर्विस दे रहा है तो कस्टमर को कैसे सर्विस दीजिएगा आप? माफी चाहूंगा सर, माफी हम लोगों से माफी चाहने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों से माफी चाहने से कुछ नहीं होगा सर। जो आपका कॉल ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, आपका कॉल ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, और ये हम सेलर कम्युनिटी में भेज देंगे तो क्या होगा? समझ पा रहे हैं ना? रिटर्न का कारण कॉस्ट करके सेलर कम्युनिटी को भेज देंगे, इंडिया से 50% सेल्स निकल जाएगा, सेलर निकल जाएगा, कोई भी नया सेलर नहीं आएगा आगे। हम लोगों से ऐसा सर्विस, ऐसा बिहेवियर आप लोग कर रहे हैं तो कस्टमर को कैसे करते हैं? कस्टमर लोग से कैसे करते हैं? हम लोग जो 7 दिन में डिलीवर होना चाहिए था वो आप 50 दिन में डिलीवर करते हैं क्या? और 50 दिन में डिलीवर करते हैं आप लोग? नहीं 50 दिन में डिलीवर करते हैं आप लोगों से बात से यही पता चलता है हमको सर। हमेशा ऐसा नहीं किया जाता है सर, हमेशा किया गया है, ऐसा नहीं है। हम ऑर्डर आईडी बताए ना आपसे, इससे पहले एक ऑर्डर आईडी बता दिए ना, रिसेंट ऑर्डर जो जुलाई 20 तारीख को था जी सर, उस टाइम तो बोला था ऐसा नहीं होता है हमेशा। उस टाइम बोले थे ना ऐसा नहीं होता है, उसका जवाब दे दीजिए। उसका पर जवाब 20 तारीख को जो प्रॉब्लम हुआ था, आप बोलते हमेशा नहीं होता है ना, और तो उस टाइम जो प्रॉब्लम हुआ था क्यों हुआ था, क्यों किए थे डिलीवर लेट में, क्यों देखा है डिलीवर, देखा क्यों दिए थे उस दिन? देखिए तो जान इस ऑर्डर आईडी का डिलीवर क्यों दिखाए थे? हम आपके सामने प्रूफ कर रहा हूँ, आपका सामने, उसका जवाब दीजिए। इस ऑर्डर आईडी का जो आज का 16 तारीख का ऑर्डर है, इसमें तो प्रॉब्लम हर टाइम नहीं होता है ना, तब इस ऑर्डर आईडी का बोलिए। ओडी नोट कीजिए, ऑर्डर आईडी इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, ऑन रिकॉर्ड आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बोले थे ना हर टाइम नहीं होता है, इसका जवाब देना पड़ेगा, बाई कॉल आपको जवाब देना पड़ेगा। ओडी नोट कीजिए आप, मैं देख पा रहा हूँ सर। OD12230236845201200। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी बोलिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता बोलिए। इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था सर, मैं भी चेक कर लिया, आपने बताया कि आपको इससे प्रॉब्लम हुआ था, इसमें जो सर रॉन्ग डिलीवरी का प्रॉब्लम हुआ था सर आपके साथ। हाँ क्यों?
हुआ था ना, तो आप बोल रहे हैं हर टाइम नहीं होता। बिल्कुल सर। तब हर टाइम क्यों नहीं होता है बोला? मैं माफी चाहूंगा सर, दोबारा से आपको इस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ी है सर। उसका ऑर्डर देख में आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद डिलीवर दिखा दिया, उसके बाद आप फिर से हमको इंक्वायरी कर रहा है फोन करके। खुद इंक्वायरी की आप लोगों ने, मेरा घर से कोई लेके गया था, रात 10 बजे आप लोग डिलीवर करने आए थे उस डिलीवर में, उस टाइम सिस्टम भी चेक नहीं करके हमको कॉल कर रहा है। आज बोले उस दिन उस टाइम आप लोगों को बोले थे फिर से नहीं होगा, तब आप आज क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिए हमको। इसका जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों हुआ, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आज क्यों हुआ, उस दिन तो बोले थे, आज छोड़ देंगे ना आप लोगों को, कल फिर से कीजिएगा। उस दिन जब बोले अगला बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, तो आज क्यों हुआ? आप निश्चिंत रहिए, आपको कल डिलीवर करा दिया जाएगा सर ऑर्डर। हम आपको एक टेबल किए, प्रोफेशनली एक टेबल किए 20 जुलाई को, जब आप लोग प्रॉमिस किए थे अगला टाइम नहीं होगा, तो 16 अगस्त को प्रॉब्लम क्यों हुआ? सर देखिए, कुछ रीजन रहा है जिसके वजह से हमको रीजन वगैरह सुनना नहीं है, हमको रीजन वगैरह सुनना नहीं है, हम सवाल वो नहीं किए थे। आप सवाल का सही जवाब दीजिए, आप सवाल का जो सवाल पूछा जाए उसका सही जवाब दीजिए, आप लोग प्रोफेशनल है। ओके सर, आपके नहीं तो हम अनप्रोफेशनली बात करेंगे आप लोगों को से। आप अनप्रोफेशनली जवाब दीजिएगा तो हम भी अनप्रोफेशनली बात करेंगे। हम पूछा 20 जुलाई को आप लोग जब प्रॉमिस किए थे नेक्स्ट टाइम से आगे आपको चल के प्रॉब्लम नहीं फेस होगा, तो 16 अगस्त को जो डिलीवर्ड होना था मेरा सामान वो डिलीवर्ड नहीं हुआ, इसका इसके लिए वो प्रॉमिस जो किए थे क्यों किए थे? अनप्रोफेशनली बात मत कीजिए हमसे, हमसे अनप्रोफेशनली बात मत कीजिए। सर आपका जो कॉल है मैं टीम को ट्रांसफर करा दे रहा हूँ सर, आपको हमको गर्म भर रहे तुम, हम बोले थे अनप्रोफेशनली बात मत कर रहा हूँ हमसे। सर आप अभिषेक लैंग्वेज टू टाइम ट्विटर इंडिया पे जाएगा जी, हम खुश नहीं जाना। आपको जो सवाल किया था वो सवाल प्रोफेशनली जवाब दीजिए, उल्टा सीधा सवाल का जवाब दिया ना, आपको फाड़ देंगे पूरा, बोल रहा हूँ सीधा से। और ये आप लोगों को जो है हेड ऑफिस है वहां पर जाएगा कॉल, हम वहां पर मेल करेंगे। अगर आपको इस तरह से चिल्लाने से इस तरह से जवाब जो मांगे वो जवाब चाहिए। उस दिन 20 तारीख को क्यों प्रॉमिस किए तो अगला टाइम नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आपका सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सर कोशिश पूरी की जाती है, दोबारा हमको कोशिश से कुछ नहीं चलेगा, हम कोशिश से कोशिश करने वाले काम नहीं करेंगे, हम कोशिश वाले काम नहीं कर रहे हैं। तब प्रॉमिस क्यों किए थे, प्रॉमिस क्या किए थे? आज भी बता रहा है नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोग हर बात बोल रहे हैं तो बोलते जाइएगा, हर ऑर्डर में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वही बोल के निकल जाइएगा। सर आप मुझे बोलने का मौका वही, सर आप अपने आप ही बोले जा रहे हैं। सर आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और ट्विटर इंडिया पे जाने वाला है। कोई बात नहीं सर, आप जहाँ आपको अपलोड करना है कर दीजिएगा। सर आपको लगता है अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ? हाँ एकदम गलत इन्फॉर्मेशन, जो सवाल किया जा रहा है वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा है आप, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जवाब भी दे रहा हूँ आप, नहीं दे रहा है, दूसरा सवाल का दूसरा आंसर दे रहा है। हम पूछ रहे हैं हावड़ा, आप बता रहे लावड़ा। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, गवर्न नहीं है सर, गबर आदमी नहीं है हम।
तो देखिए आपको प्रॉमिस जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की पूरी कोशिश की जाती है कि दोबारा से आपको इस तरह की परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो अगर ऐसा हो गया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप एक दिन का वेट कर लीजिए सर, आपका ऑर्डर आपको कल डिलीवर करा दिया जाएगा सर। और कल डिलीवर नहीं हुआ तो कल डिलीवर नहीं हुआ तो नहीं नहीं निश्चिंत रहने जना, आपको प्रॉमिस करने पड़े ऑन रिकॉर्ड कॉल में, कॉल में ऑन रिकॉर्ड आपको आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं कहे कि आप लोग प्रॉमिस तोड़ने में माहिर है, प्रॉमिस करने में बात नौटंकी करने में माहिर है, ये तो पता चल गया। आप आज जो फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रस्ट है वो निकल रहा है, इसका मतलब आजकल फ्लिपकार्ट ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं रहा, और कोई भी कंपनी कोई भी चीज बिजनेस चलता है ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ा। हम खुद चला रहे बात कर रहे हो ना, हम धीरे धीरे फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कम कर देंगे, सेलिंग कम कर देंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोग जो बात कर रहा है बात के साथ काम में कोई ये नहीं देख रहा हूं, बहुत आकाश आसमान जमीन का फर्क है पड़ेगा। कल डिलीवर्ड हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा वो भी बताना पड़ेगा आपको, वो भी बताना पड़ेगा आपको ऑन रिकॉर्ड कल डिलीवर कर दिया जाएगा सर। और नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं नहीं आप 16 तारीख को डिलीवरी बात था डिलीवर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तब लॉजिकली बात कीजिए हमसे क्यों नहीं हुआ। आपको बोलना पड़ेगा डिलीवर नहीं हुआ तो क्या होगा, या नहीं नहीं तो नहीं तो आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा। हमको रीजन से कोई मतलब नहीं है, हमको रीजन से भी मतलब नहीं, रुपया से मैंने कैंसिलेशन से भी मतलब नहीं है। कल डिलीवर नहीं करवा पाए तो आपको आपका पास आपका पूरा रुपया रखना पड़ेगा और डिलीवरी भी नहीं करवाना पड़ेगा, डिलीवरी भी मत करवाइए, ये आपको वादा करना पड़ेगा। नहीं नहीं फीडबैक फीडबैक शेयर कर हमको वहां पर अच्छा से मेंशन कीजिए कल डिलीवर्ड हो पाएगा, डिलीवर्ड हो पाएगा तो नहीं मेरा बात सुन लीजिए, डिलीवर्ड करवा पाइएगा तो डिलीवर्ड करवाइए, नहीं तो और जिंदगी में वो प्रोडक्ट हमको डिलीवर्ड मत करवाइए, और जितना रुपया है आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है, ये नोट करके हमको मेल एसएमएस कीजिए, मेल कीजिए तुरंत, ये हम नोट किए हैं, और मेल और नोट दोनों नहीं मिलेगा ना, अगला जो करना है हम करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने यहाँ पर फीडबैक शेयर किया, कंप्लेंट नंबर चाहे तो फीडबैक मत शेयर कीजिए, कंप्लेन लीजिए, मेरे हम जो बता रहे हैं उसी बॉयन से जानकारी दी गई है सर, आपको जो बॉयन देके हम कंप्लेन लेने के लिए बोल रहा हूँ वो कीजिए। कल 28 अगस्त 2021 को ऑर्डर आईडी बता रहा हूँ, हम बोल रहा हूँ ना, OD 12249514138476800। इस ऑर्डर को डिलीवर करवा पाते हूँ तो ठीक है, नहीं डिलीवर करवा पाती हूँ तो ये पैसा भी हम लोग रख लेंगे और प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं करवाएंगे। एक कंप्लेन लिखिए और लिखने के बाद वो कंप्लेन नंबर हमको एसएमएस कीजिए, और आप एक बार बताइए कंप्लेन में ये लिखे हैं, कंप्लेन नंबर हमको चाहिए। देखिए जैसा कि आपने बताया कि आपको जो बोला गया वो कीजिए, आपको जो बोला गया वो कीजिए, आप प्रोफेशनल चेंज नहीं हो जाएगी ना सर,
चेंज करना पड़ेगा सर। नहीं, एक मिनट, पॉलिसी में तो है 16 तारीख को डिलीवर करना, चेंज किया ना सर, पॉलिसी चेंज किया ना, 16 तारीख को लास्ट डेट था ना डिलीवर पॉलिसी में, आपका पॉलिसी में 16 तारीख को लास्ट डिलीवर करना था ना, आप जो बोलिएगा उसी में फंसिएगा, जो बोलिएगा पॉलिसी में, आपका पॉलिसी में 16 तारीख के लिए सर। लड़ाई आज ऐसा नहीं कर रहा हूं सर, कॉल होल्ड पे रखने से कुछ नहीं होगा सर।